नीट 2024 की काउंसलिंग स्टार्ट है और उसका एमसीसी काउंसलिंग चल रहा है, और एमसीसी में ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और आपका स्टेट काउंसलिंग दोनों हो रहा है। बात करेंगे कि आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो आयुष काउंसलिंग आपका 28 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आज स्पेशल बात होगा कि बीएचएमएस कोर्स की कट ऑफ पर। बीएचएमएस कोर्स की कट ऑफ जानेंगे, उसका ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ भी जानेंगे और उसका स्टेट कट ऑफ भी जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं बीएचएमएस कोर्स का कट ऑफ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप राय, मेरी यूट्यूब चैनल स्पार्क क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि हम आयुष काउंसलिंग में बीएचएमएस कोर्स के कट ऑफ की बात करने वाला हूं। बीएचएमएस कोर्स यानी कि आपका होम्योपैथिक डॉक्टर का कोर्स, ठीक है ना। अगर आप बीएचएमएस का कोर्स करते हो तो आपको पता होगा कि आप होम्योपैथिक का डॉक्टर बन जाओगे, आपके सामने भी डॉक्टर लगेगा, जिसपे आप क्या बोलते हैं, आप गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हो, आप अपने स्वयं का क्या बोलते हैं कोई शॉप भी खोल सकते हो, मतलब होम्योपैथिक का, आपके सामने डॉक्टर लग जाएगा। हाँ, आप सर्जरी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा कोर्स है, इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो चलो बात करते हैं इसके कट ऑफ की, और इसके कट ऑफ पे आज ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की भी कट ऑफ की बात करूंगा और हम स्टेट कोटा काउंसलिंग की भी बात करूंगा। तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में अगर आप जनरल हो तो आपका कट ऑफ 530 प्लस होना चाहिए। मैं अप्रॉक्स कट ऑफ बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, ये कोई गारंटी नहीं कि मैंने 530 प्लस कह दिया तो 535 नहीं हो सकता है, 525 नहीं हो सकता है, कुछ कम बेसी हो सकता है, ठीक। इसी प्रकार से अगर आप ईडब्ल्यूएस हो और ओबीसी हो तो आपका नंबर आप 515 प्लस होना चाहिए, यानी कि उससे 15 नंबर कम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एससी हो तो आपका नंबर 490 प्लस होना चाहिए, अगर आप एसटी हो तो आपका नंबर 70 प्लस होना चाहिए। इसी प्रकार बात करें स्टेट काउंसलिंग का, तो स्टेट काउंसलिंग का जो कट ऑफ होता है वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से अगर तुलना करें तो उससे कुछ कम होता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि मान लीजिए आपके स्टेट में कोई बीएचएमएस कोर्स के लिए कोई कॉलेज है, जैसे आप बिहार के हो या हो सकता है आप यूपी के हो, राजस्थान के हो, तो आपके स्टेट में कोई ऐसा कॉलेज है जहां से बीएचएमएस कोर्स हो रहा है, तो उसमें 85% सीट उन बच्चों के लिए होगा जो स्टेट काउंसलिंग करा के आएंगे, और केवल 15% सीट उन बच्चों के लिए होता है जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से आते हैं। तो 85% सीट होता है, इसलिए इनमें जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा कम जाता है, किसके तुलना में, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के तुलना में। और हो सकता है आप जानते भी हो, लेकिन मैं बार बार इसलिए बता देता हूं कि जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो स्टेट कोटा, सॉरी, अब स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे, तो स्टेट काउंसलिंग में आप जरूर जानना चाहोगे कि राजस्थान का कितना होगा, यूपी का कितना होगा, बिहार का कितना होगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट का जो कट ऑफ होता है वो अलग अलग जाता है। हाँ, ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस कुछ ही अंतर होता है। जैसे मान लीजिए जनरल के लिए मैंने 520 नंबर बोला यूपी के लिए, तो आपका बिहार में ठीक है कुछ प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, राजस्थान के लिए कुछ प्लस होगा, तो बस थोड़ा बहुत ही कमी बेसी रहती है, ज्यादा नहीं रहता है। तो हम पूरे अगर स्टेट की एक एक करके बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, हम चाहते हैं कि उसका एवरेज कट ऑफ आपको बता दें। अगर आपको कोई स्टेट वाइज स्पेशल वीडियो चाहिए, जैसे बिहार पे चाहिए या राजस्थान के लिए चाहिए या आपका यूपी के लिए चाहिए, तो आप कमेंट करो तो स्टेट वाइज आपको एक स्पेशल वीडियो भी मिल जाएगा। लेकिन यहां एवरेज कट ऑफ की बात होगी, यानी कि सभी स्टेट का जो कट ऑफ जा रहा है उनका एवरेज मार्क्स हम लोग लेके चलेंगे और आपको वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, ठीक। तो बात करें अगर जनरल के लिए, तो जो जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 520 यानी कि 520 प्लस होना चाहिए। अगर आपका 520 प्लस है तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट के लिए, तो आप 10 नंबर कम मान लीजिए, यानी कि आप 510 प्लस मान लीजिए, यानी कि 510 नंबर आपका प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। वहीं बात करें अगर एससी स्टूडेंट के लिए, तो आपका 470 प्लस होना चाहिए, और लास्ट में बात करें एसटी स्टूडेंट के लिए तो उनका 450 प्लस होना चाहिए। तो ये बात हो गया आपका स्टेट काउंसलिंग में कट ऑफ की। इसके पहले मैंने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कट ऑफ के बारे में बताया, और बात हो रहा कि बीएचएमएस कट ऑफ के लिए। अगर आपको पता नहीं है कि बीएचएमएस कोर्स क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी चाहिए, तो आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, सुमन मैम ने पूरी डिटेल बताया है कि बीएचएमएस कोर्स क्या होता है, कैसे आप होम्योपैथिक का डॉक्टर बन सकते हो, इसका कैरियर मतलब स्कोप क्या है, इसका क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरी जानकारी दिया, तो आप वहां से देख सकते हो। इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि बीएएमएस कोर्स और बीयूएमएस कोर्स, यानी कि इन दोनों कोर्सेज के लिए बात करें कि आपको कट ऑफ चाहिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का और स्टेट काउंसलिंग का, तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। एक वीडियो मैम ने बनाया है बीएएमएस पे और एक वीडियो मैंने बनाया है बीयूएमएस पे, तो आप वो दोनों देख सकते हो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वीडियो। इसका भी लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं आपके वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई समस्या है तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं बेझिझक कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, नहीं तो हम उस पर
वीडियो बना के मैं या सुमन मैम जिसके पास भी टाइम होगा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ एक बात और, अगर प्रीफ्रेंस लिस्ट कैसी भरनी है, किस प्रकार से भरनी है, अगर इसकी पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस पर कमेंट करो, आपको इस पर वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।